असलम आज हम पढ़ेंगे एको फोर जीरो थ्री का लेसन नंबर फोर्टी टू टॉपिक हमारा है इन्वेस्टमेंट थ्योरीज द स्टॉक मार्केट एंड टॉपिन क्यू हम स्टॉक मार्केट को देखेंगे द टर्म स्टॉक रेफर्स टू द शेयर्स इन द ऑनरशिप ऑफ कारपोरेशंस स्टॉक मार्केट इज़ द मार्केट इन विच दीज शेयर्स आर ट्रेडेड द नोबल प्राइज विनिंग इकोनॉमिस्ट जेम्स टॉपिन प्रोपोज्ड डैट फॉर्म्स बेस दिन इन्वेस्टमेंट डिसीजन ऑन द फ्लोइंग रेशो विच इज़ नो कार्ल्ड टॉपिस क्यू यानी कि क्या होता है कि जो हमारी कंपनीज होती हैं वो अपने जो फैसले करते हैं वो रेशो पे करती हैं और उस रेशो को क्या कहा जाता है टॉपिज क्यू कहा जाता है ये फार्मूला भी आप देख लें मार्केट वैल्यू ऑफ इंस्टॉल्ड कैपिटल ओवर रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ इंस्टॉल्ड कैपिटल the numerator of topin's q is the value of the economic capital as determined by the stock market the denominator is the price of capital as if it were purchased today topin conveyed that net investment should depend on whether q is greater or less than 1 इफ़ क्यू ग्रेटर दैन वन अगर क्यू क्या होगा वन से ज़्यादा होगा तो द फर्म्स कैन रेज द वैल्यू ऑफ देयर स्टॉक बाई इंक्रीजिंग कैपिटल कैपिटल को वो क्या कर देंगे इंक्रीज कर देंगे इफ़ क्यू लेस दैन वन द स्टॉक मार्केट वैल्यूज कैपिटल एज लेस दैन इट्स रिप्लेसमेंट कॉस्ट एंड दस फर्म विल नॉट रिप्लेस देयर कैपिटल स्टॉक एज इट वियरस आउट टॉपिंस क्यू एंड न्यू क्लासिकल मॉडल आर क्लोजरी रिलेटेड एम सी क्यूज के लिहाज से ये अहम है कि जो टॉपिंस क्यू है और न्यू क्लासिकल मॉडल है वो आपस में क्या करते हैं रिलेट करते हैं सिंस टॉपिंस क्यू मैयर्स द एक्सपेक्टेड future profit ability as well as the current profit ability if the mpk exceeds cost of capital the firms are earning profit on their installed capital making renter firms desire able to own raising market value of stocks of such firms implying a high value of q the stock market as an economic indicator अब हम स्टॉक मार्केट को एक इकोनॉमिक के इंडिकेटर के तौर पे देखते हैं आल थ्रो द वॉलिटी ऑफ स्टॉक मार्केट कैन गिव फॉल्स सिग्नल्स अबाउट द फ्यूचर ऑफ इकोनॉमी। लेट वन शुड नॉट इग्नोर द लिंक बिटवीन द टू यानी कि अगरचा अगर हम देखेंगे इसके हम हमें कुछ नेगेटिव इसके वो दिखते हैं असरात दिखते हैं लेकिन इनका आपस में गहरा ताल्लुक है चेंज इन स्टॉक मार्केट ऑफन रिफ्लेक्ट चेंज इन जीटीपी अगर स्टॉक मार्केट में कुछ तब्दीलियां आती हैं तो हमारी जीटीपी में भी उसका असर हमें देखने को मिलता है वन एवर स्टॉक मार्केट एक्सपीरियंस अस सब्सटैशल डिक्लाइन वी शूड बी रेडी फार एन अपकमिंग रिसेशन अगर हम देखते हैं कि हमारी जो स्टॉक मार्केट है उसमें क्या है उसमें कमी आ रही है तो उससे हमारी जो मीशियत है उस पर भी बुरे असरा हों आना शुरू हो जाते हैं बदहाली का दौर शुरू हो हो वाला होता है यानी हम माशी तौर पे वी कोर होते हैं वाई डू स्टॉक प्राइस एंड इकनॉमिक एक्टिविटी टेंट टू फ्लोक्टोरेट टूगेदर टॉपिंस क्यू एंड ए डी एंड ए एस ए डी शो करता है एग्रीगेट डिमांड को और ए एस एग्रीगेट सप्लाई को सपोज दियर अकर्ज अफॉल इन स्टॉक प्राइस आप सपोज करें कि जो स्टॉक की प्राइस थी उनमें कमी वाक हुई है सिंस रिप्लेसमेंट कोस्ट और ऑफ कैपिटल इज स्टेबल दिस विल रिजल्ट इन अफॉल इन टॉपिज क्यू डिफ्लैक्टिंग इन्वेस्टर्स डेमिज्म अबाउट द करंट और फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ कैपिटल समिशनल रीजन्स कुछ इसके रीजन आप देख लें अफॉल इन स्टॉक प्राइसिस मेक्स पीपल प्योर डिप्रेसिंग दियर स्पेंडिंग रिजल्टिंग इन रेड्यूज एग्रीगेट डिमांड अब इसमें उन्होंने कहा है कि अगर प्राइस क्या हो जाती है कम हो जाती है स्टॉक की तो उससे क्या होगा लोग क्या होंगे गरीब होंगे और वो कम खर्च करेंगे और जब वो कम खर्च करेंगे तो जो हमारी एग्रीगेट डिमांड है वो क्या हो जाएगी कम हो जाएगी अगर फा प्राइजिज़ में क्या होती है कमी होती है तो वो रिफ्लेक्ट करते बैड न्यूज़ अबाउट टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस एंड इकनॉमिक ग्रोथ यानी कि स्टॉक की अगर प्राइज़ डिक्रीज़ होती हैं वो इस चीज़ को भी शो करें कि हमारे मुल्क में जो टेक्नोलॉजी की प्रोग्रेस है और जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसका लेवल बहुत ज़्यादा स्लो है रिजल्टिंग इन स्लो एक्सपेंशन ऑफ नेचुरल रेट ऑफ आउटपुट अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फाइनेंसिंग कॉन्स्ट्रेंट वेन आ फर्म वांट्स टू जब एक फर्म वांट्स चाहती है टू इन्वेस्ट इन न्यू कैपिटल बाई बिल्डिंग अ न्यू फैक्ट्री इट रेजिज़ द फंडस इन फाइनेंशियल मार्केट्स बाई ऑप्टेनिंग रोन्स फ्राम बैंक्स यानी कि जब भी कोई वो है फर्म है वो इन्वेस्ट करना चाहेगी कुछ ख़रीदना चाहेगी कोई बिजनेस करना चाहेगी तो वो क्या करेगी वो किस तरह से यानी कि इन्वेस्टमेंट करेगी तो वो सबसे पहले क्या करती है तो वो बैंक से लोन लेगी या सेलिंग बॉन्ड्स टू पब्लिक वो बॉन्ड्स को क्या करेगी सेल करेगी पब्लिक को सेलिंग शेयर्स इन फ्यूचर प्रॉफिट्स ऑन स्टॉक मार्केट न्यू क्लासिकल मॉडल एज्यूम्स डेट इफ अ फर्म इज विलिंग टू पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल फाइनेंशियल मार्केट विल मेक द फंड अवेलेबल बट समटाइम्स फर्म्स फीज फाइनेंसिंग कॉन्स्ट्रेंट लिमिटेडिंग द अमाउंट ऑफ फंड दे कैन रेज फ्रॉम फाइनेंशियल मार्केट सो द अमाउंट ऑफ फर्म कैन स्पेंड ऑन न्यू कैपिटल गुड्स इज लिमिट टेड टू द अमाउंट इट करंट्री अर्निंग फॉर एग्जाम्पल हम इसे एक एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करते हैं कि अगर एक फर्म ने क्या करना है इन्वेस्टमेंट करना चाह रही है तो वो किस तरह से लोन लेगी और किस तरह से इन्वेस्टमेंट करेगी और अपने किस तरह से वो अपने कैपिटल स्टॉक को क्या करेगी इंक्रीज करेगी अगर वो कह रहे हैं आ रिसेशन रिड्यूस एम्प्लॉयमेंट अगर एक जो बदहाली है वो कम कर देती है बेरोजगारी को रेंटर प्राइस ऑफ कैपिटल एंड प्रॉफिट इफ द फर्म एक्सपेक्ट द रिशेषन टू तो द शॉर्ट लीवड इट तो विल कंटिन्यू इन्वेस्टिंग फॉर लॉन्ग टर्म प्रॉफिट अबेलिटी डज हैव अ स्मॉल इफेक्ट

रेजिडेंटल इन्वेस्टमेंट इंक्लूड्स द परचेज ऑफ न्यू हाउसिंग बॉथ बाय पीपल हु प्लान टू लीव इन इट दैम सेल्व्स एंड बाय लैंड लॉर्ड्स हु प्लेन टू रेंट इट टू अदर्स रेजिडेंटल इन्वेस्टमेंट्स वो होती है जो हम प्लाट्स में करते हैं या मुख्तलिफ घरों में करते हैं और उसके बाद हमारी मर्जी होती है चाहे हम उनमें खुद रहें चाहे हम किसी को उसे किराए पर दें तो इसमें टू पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं द मार्केट फॉर द एग्जिटिंग स्टॉक ऑफ डिटर माइंस द इक्वीबरियम हाउसिंग प्राइज द हाउसिंग प्राइस डिटरमाइंस द फ्लो ऑफ रेजिडेंटल इन्वेस्टमेंट यानी कि जो हाउसिस की प्राइजिस हैं वो इसके फ्लो को क्या करेंगे डिटरमाइन करेंगी ठीक है द रिलेटिव प्राइज ऑफ हाउसिंग एडजस्ट टू इक्वीबरेट सप्लाई एंड डिमांड फॉर द एग्जिटिंग स्टॉक ऑफ हाउसिंग कैपिटल कंस्ट्रक्शन फॉर्म बाय मटीरियल एंड एंड हायर रेबर टू पेड़ द हाउसिज एंड देन सेल दैम एट मार्केट प्राइस क्या करती हैं जो ये इन्वेस्टमेंट करती हैं रेबर को हायर करते हैं सामान लेते हैं बिल्डिंग्स बनाते हैं और उन्हें क्या कर देते हैं मार्केट प्लेस पर क्या कर देते हैं uh, सेल कर देते हैं दियर कोस्ट डिपेंड्स ऑन द ओवरऑल प्राइस लेवल पी वाइल्ड दियर रेवेन्यू डिपेंड ऑन द प्राइज ऑफ हाउसिस पी एच पी एच पे इसका इंसार है द हायर द पी एच द ग्रेटर इंसेंटिव टू बिल्ड हाउसिज़ यानी कि जो पी एच है जो प्राइजिज हैं आपके के आपका एक घर है आपने तैयार किया है वो कितने में आपका सेल आउट हो रहा है तो उस पर इंसार है कि आप मज़ीद बिल्डिंग्स आप मज़ीद घर बनाते हैं या नहीं बनाते है? उतना ही ज़्यादा आपका इंसेंटिव होगा कि आपने इसमें इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं करनी अगर आप यहाँ पे ये देखें ये प्राइजेज़ को शो किया है इन्होंने यहाँ फ्लो ऑफ इन्वेस्टमेंट है तो जिस तरह जिस तरह प्राइजेस क्या जा रही हैं ऊपर जा रहे हैं उतने ही ज़्यादा सप्लाई ऑफ न्यू हाउसेज की क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है यहाँ पे इन्होंने डिमांड को शो किया है डी डिमांड को शो करता है और एस सप्लाई को शो करता है यहाँ पे इन्होंने इसे एक्सप्लेन कर दिया है दिस मोर्डर ऑफ रेजिडेंटल इन्वेस्टमेंट इज मच सिमिलर टू क्यू थ्योरी ऑफ बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट विच स्टेट्स डैट बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट डिपेंड्स ऑन द मार्केट प्राइस ऑफ इंस्टॉल्ड कैपिटल रिलेटिव टू इट्स रिप्लेसमेंट कोस्ट विच इन टर्न डिपेंड्स ऑन एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स फ्राम ओइंग इंस्टॉल्ड कैपिटल tal